हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। ओके, और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा इसलिए कि वेन डायग्राम का यूज करके हम लोग बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे चल करके वेन डायग्राम का बहुत सारा यूजेज है, जैसे बहुत सारे रीजनिंग का क्वेश्चन, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हो, या कोई भी मतलब कि कोई भी टेस्ट वगैरह, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप एग्जाम देते हो, तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वेन डायग्राम क्या है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सेट्स में वेन डायग्राम जो है अलग अलग सेट्स को रिलेट करता है, अलग अलग सेट्स को रिलेट करता है। तो डायग्राम तो बनेगा ही, तो यहां पर क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय, अलग अलग सेट को अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया, तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिवर्सल सेट को लोगों ने रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया, रेक्टेंगल से बच्चों। ओके, यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल, ये दिस इज द रेक्टेंगल। अगर कहीं ये रेक्टेंगल बना हुआ है सेट थ्योरी में, तो आप समझ जाओ दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू। ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा बच्चों, आपने पूरे सेट थ्योरी में अभी तक क्या पढ़ा कि सेट होता है, सबसेट होता है, टाइप्स ऑफ सेट होता है, सबसेट भी एक तरह से सेट ही होता है, और सबसे जो बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट होता है अंडर द कंसिडरेशन, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम में, और जो बाकी जो सेट्स हैं, चाहे वो भी कोई भी सेट्स हो, एम्प्टी सेट या जो भी चीज है, बाकी सेट्स को हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। किसी भी सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी सेट को बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल से। तो बस जैसे ये सेट ये है, तो सेट ये को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अपन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेक्टेंगल से, और कोई भी दूसरा सेट है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, ये वेन डायग्राम करता क्या है। देखो, वेन डायग्राम मतलब एक डायग्राम हुआ, तो किसका डायग्राम हुआ, रेक्टेंगल बना है तो ये यूनिवर्सल सेट का डायग्राम, अगर सर्कल बना है तो ये किसी भी सेट का डायग्राम हो सकता है। तो वेन साहब एक मैथमेटिशियन थे, वो वेन ने क्या किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेट्स है, इसको कोरिलेट किया किससे, डायग्राम से। कैसे कोरिलेट किया, देखो आप, अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें दो सेट का, कि दो सेट्स को किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट किया गया, मतलब रिलेशनशिप कैसे डिफाइंड किया, है ना। तो सबसे पहले बात हम लोग कितने सेट में करेंगे, टू सेट्स में। ओके, फोर टू सेट्स, फोर टू सेट्स, ए एंड बी, दो सेट के लिए वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या होगा। तो बच्चों कैसे, देखो यहां से मेन चीज, यहां से समझने वाली बात है कि यहां से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। देखो बच्चों, क्या होगा कि अपन एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, जैसा कि आपको बताया गया है
कि रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिवर्सल सेट को। अब एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है तो इसके बीच में ये जो रेक्टेंगल सेट है इसके अंदर आएगा ना ए और बी, क्योंकि जितने भी सेट्स होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट्स होता है। सबसेट्स मतलब उसी के जो सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आता है। जितने भी सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ही आता है, क्योंकि सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है अंडर द कंसिडरेशन। तो यहां सिचुएशन कैसा हो सकता है कि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट कैसे कैसे आ सकते हैं, इसको देखो आप। जैसे सेट ये चीज और एक सेट बी, ऐसा आ सकता है एक दूसरे को, दोनों सेट्स जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर गया कुछ रीजन में, और सिचुएशन बन सकता है। क्या बनेगा सिचुएशन देखो आप, सिचुएशन क्या क्या बन सकता है देखो। ए सेट ए हो गया और इसी के अंदर सेट बी, अभी भी देखो सेट ए और सेट बी जो है बच्चों वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मतलब सबसेट ही है। एक सिचुएशन और बनेगा, एक सिचुएशन और बन सकता है, सेट ए अलग है और सेट बी अलग है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसमें क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी का थोड़ा सा पोर्शन ओवरलैप हुआ। सेकेंड जो वेन डायग्राम है, सेकेंड जो डायग्राम है उसमें सेट बी जो है सेट ए के अंदर आ गया। सेकेंड डायग्राम में आप देखो सेट बी जो है वो सेट ए के अंदर आ गया, और थर्ड डायग्राम में दोनों अलग अलग है। अब बात क्या होगा आप सुनो, देखो आप बढ़िया से कि बच्चों ये जो पोर्शन है मेन चीज इसका डिस्कस करना है। देखो आप इसकी बात करेंगे हम लोग ज्यादा। ये जो पोर्शन है क्या ये पोर्शन दोनों सेट में है कॉमन, जो मैंने अभी डार्क किया, क्या ये जो पोर्शन है सेट ए और सेट बी में कॉमन है या नहीं है? तो बच्चों बिल्कुल कॉमन है। तो ये जो रीजन है क्या ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि एक सेट होता है इंटरसेक्शन बी जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन होता है, जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो ये जो पोर्शन है वो देखो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ये जो पोर्शन है ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इसका मतलब बच्चों ये जो पोर्शन हुआ ये क्या चीज हुआ, ये इंटरसेक्शन बी। ये क्या चीज हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। और ये बच्चों ये पूरा जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन की हम लोग बात कर लें, कहां कौन सा पोर्शन, ये पूरे पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, ये पूरा रीजन ये वाला देखो मैं मार्कर से लगा रहा हूं, ब्लू मार्कर भी चला रहा हूं थोड़ा थोड़ा, देखना आप ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो ये पूरा पोर्शन है बच्चों ये यूनियन बी। कहोगे कैसे ये यूनियन बी है सर, तो सुनो बात, ये यूनियन बी क्या होता था, ए यूनियन के बी के बीच में वो सारे एलिमेंट्स आते थे जो सेट ए में भी था और सेट बी में। मैं क्या बोला, और सेट बी, मतलब सेट ए का बी एलिमेंट और सेट बी के बी एलिमेंट, सारे एलिमेंट आते हैं ना, तो पूरा सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ए यूनियन बी। अरे थोड़ा सा और बढ़िया से समझो तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना दे रहा हूं छोटा सा कि ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो आप ध्यान दो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा रीजन जो मैं कलर कर रहा हूं, ये पूरा रीजन जो है बच्चों ये क्या है, ये यूनियन बी है। क्योंकि ए यूनियन बी के डेफिनेशन में क्या था कि सेट ए का भी एलिमेंट होगा और सेट बी का भी होगा, और इंटरसेक्शन में क्या था कि जो दोनों में है सेट ए और सेट बी में दोनों में है। अब बच्चों
यहां तक इंटरसेक्शन और यूनियन वाला ले आया। देखो वेन डायग्राम से हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो पढ़ा था इन यूनियन इंटरसेक्शन, उस चीज को आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, मतलब एक डायग्राम के फॉर्म में। तो ये क्या करता है वेन डायग्राम, जो क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को अपन एक सिंपल लैंग्वेज में एक इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों अब इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहां पर जो एलिमेंट होगा, जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं आपको, ये जो एलिमेंट है, ये आप बताओ, ये जो डॉटेड लाइन से ब्लैक ब्लैक दिखा, ये देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स वो केवल सेट ए में, मैं क्या बोला, केवल सेट ए, ये जो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट्स कहां पर है, केवल सेट ए में है, केवल सेट ए। सेट ए का मतलब ये पूरा हुआ, सेट ए का मतलब ये पूरा हुआ, लेकिन केवल सेट ए बोला जाए तो केवल ये पोर्शन जो आपको ब्लैक डॉटेड दिख रहा है, ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये रीजन, तो केवल सेट ए। कल आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों ए माइनस बी, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते थे, केवल सेट ए का एलिमेंट आता है, ए माइनस बी में कौन आता है, केवल सेट ए का एलिमेंट, मतलब सेट ए का ही एलिमेंट आता है, लेकिन जो केवल सेट ए में है बी में नहीं है। तो बच्चों आप इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, ए माइनस बी लिख सकते हैं, बात आई समझ में, ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। अच्छा ए माइनस बी को क्या हम ये इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं क्या, ए माइनस बी को क्या हम ए इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, अगर समझना है बच्चों कि बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, तो ये काम करो, एक सेट कंसीडर कर लो। देखो अगर आपको चेक करना नहीं कि ये सही या गलत है, तो आप कुछ नहीं, सेट ए और सेट बी एक एग्जांपल कंसीडर कर लो, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, इसमें सेट ए में ये एलिमेंट लिया, बी में हम लोग ले लेते हैं 1 4 5, ओके। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर ये है तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट, ये बार का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, यू माइनस ये, मतलब वो एलिमेंट लिखना है यूनिवर्सल सेट का जो ये में नहीं है, तो 1 2 3 तो ये में है बच्चों, तो कौन आएगा, 4 5 6 आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, हो गया। तो बच्चों बताओ ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो अगर मैं पहले a माइनस बी निकालू, पहले ये निकाल के दिखाता हूं, a माइनस बी, तो ये माइनस बी, अगर a में से b को माइनस करोगे तो a का एलिमेंट लिखा जाएगा केवल, लेकिन जो b में नहीं है, तो a का एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a का एलिमेंट 2 और 3 जो है वो b में नहीं है, तो ये माइनस बी क्या आया, 2, 3। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये बार इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ये बार का मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ये में नहीं है, तो ये ए बार इंटरसेक्शन बी, अच्छा सॉरी गड़बड़ लिखा यहां पर, ये ऐसे लिखे देंगे, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा था, ये इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी बार, तो ऐसा करते हैं ना, बी बार निकाल लेते हैं, है ना। देखो ये माइनस बी को क्या हम ए इंटरसेक्शन बी बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो b बार निकालते हैं पहले, तो बच्चों b बार क्या निकलेगा, b बार क्या होगा, u माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल सेट u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने जो b में नहीं है, तो देखो 1 है b में, 2 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, 4 5 है, तो 4 5 नहीं लिखा जाएगा, 6, तो आप बताओ b बार क्या आया, 2 3 6। अच्छा ए माइनस बी आपको निकाल के समझा दिया हूं, ए माइनस बी ये चीज आ रहा है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये इंटरसेक्शन बी बार क्या आता है, ये इंटरसेक्शन बी बार क्या आएगा,
तो ये इंटरसेक्शन बी बार, देखो बच्चों ये यहां पर है और बी बार ये है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लो तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 2, 3। तो आप एक क्या चीज देख रहे हो कि ये माइनस बी जो आपने निकाला और ये इंटरसेक्शन बी बार जो निकाला वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये इंटरसेक्शन बी बार। तो बच्चों अपन यहां ए माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन बी बार। देखो बार किस पे लगेगा, जो माइनस हो जा रहा है, बार किस पे लगेगा जो माइनस हो जा रहा है। अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, केवल सेट ए, तो सेट ए का तो एलिमेंट होगा लेकिन बी का नहीं होगा। यानी कहने का मतलब सुनो, देखो एक चीज इसको ऐसे भी यहां से भी समझ सकते हो, ये इंटरसेक्शन बी बार को देखो ये आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये जो एग्जांपल बताया इसको मैं समझाता हूं दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। एक तो एग्जांपल लेके समझाया, अब एक आपको वेन डायग्राम से बताता हूं। देखो ये माइनस बी तो आपको समझ में आ ही गया क्योंकि ये चीज पहले से पढ़े हो। अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूं क्या चीज, इसको समझो, जितना बढ़िया से समझोगे ना उतना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमें बच्चों क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये इंटरसेक्शन बी बार यहां पर ढूंढना है कि कौन सा क्षेत्र होगा, ए इंटरसेक्शन बी बार कौन सा क्षेत्र होगा ये ढूंढना है। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों कि अगर कोई एक सेट ये है ना, जैसे ये यूनिवर्सल सेट हुआ और ये सेट ये हो गया, ये सेट ये हुआ, तो बच्चों ये जो सेट ये है, ये पूरा सेट ये है, तो ये जो खाली पोर्शन व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है ये बार होगा। ये बार क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ये। तो आप ही बताओ कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये क्या होगा, यू माइनस ए। तो ये तो इतना है, ये पोर्शन सेट ये है, तो वो सारे एलिमेंट्स कहां होंगे जो ये में नहीं है, वो कहां होगा, इस व्हाइट रीजन में होगा। और इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, ये बार से। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बार से, और ये बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, और यही वाला रीजन आएगा ना। चलो ये भी आप नोट कर लेना, इसको भी आप नोट कर लोगे। सुनो अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, बी बार, बी बार क्या होगा, बी बार जो है ये सेट बी है ना, इसको छोड़ करके सारा रीजन, जैसे ये सारे रीजन बी बार हो जाएंगे, ये रीजन बी को छोड़ करके ये सारा रीजन, ये सब रीजन, ये क्या होगा, बी बार। बी बार मतलब सेट बी को छोड़ करके, सेट बी को छोड़ करके बताओ ये सारा रीजन है बार वाला। अच्छा ये सेट ये कौन सा होगा, सेट ए ये वाला। अब आप एक चीज बताना, ये सेट ये हो गया और ये बी बार इधर बाहर वाला, बी को छोड़ करके जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है उसको छोड़ करके, तो सेट ये और बी बार मतलब ये जो ब्लैक ये सब दिख रहा है इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है। बी को छोड़ दो मतलब बी को छोड़ दो, देखना बी सेट बी है ना, इसको इस गोला को छोड़ करके बाकी क्षेत्र ये सब है ना, ठीक है, और सेट ये हुआ। अगर आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेने बोल रहा है तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब वेन डायग्राम में आप क्या ढूंढोगे कि दोनों क्षेत्र कॉमन कितना हो रहा है। तो देखो ये पूरा ये बी बार था, ये पोर्शन जो अभी मैंने दिखाया ये सब जो डार्क किया वो बी बार है, और ये सेट ये है। अगर सेट ये को मैं डार्क करूं, ये सेट ये हो गया, तो बताओ बच्चों कि ओवरलैप कहां किया, ये ब्लैक मार्कर से जो कलर किया है और ब्लू दोनों ओवरलैप कहां किया। तो आप एक चीज देखोगे कि इस पोर्शन में ओवरलैप किया है जो मैं इधर डार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, और यही पोर्शन क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन बी बार। यानी केवल क्या हुआ, ओनली
सेट ये हो गया, केवल कौन सा सेट हुआ ये, तो ये इंटरसेक्शन बी बार वही तो हो गया ए माइनस बी, कोई अलग थोड़ी हुआ। इसी तरह बच्चों इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें देखो केवल बी है तो इसको बोलेंगे बी माइनस ए, और क्या बोलेंगे इसको, देखो बी रहना चाहिए तो बी इंटरसेक्शन क्या नहीं होना चाहिए ये, तो ये बार, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा इसमें देखो बच्चों इसमें क्या होगा, यहां पर जो है बच्चों वो बी जो है वो ए के अंदर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका क्या होगा, चलो इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेट ए है और ये सेट बी है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो क्या बताओगे, ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन रीजन है तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, मतलब सेट ए देखो और सेट बी तो दोनों ओवरलैप कहां कर रहा है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, क्या सेट बी होगा, देखो सेट बी तो बी सेट बी है ही और वो ए के भी अंदर आ रहा है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा इस केस में, डायरेक्ट सेट बी के इक्वल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा इस केस में देखो बताओ ये यूनियन बी क्या होगा, ये यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिलाकर लिखना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलाकर के लिखना, तो क्या आएगा सेट ए ही आएगा, कैसे क्यों आएगा सेट ए, भाई सेट ए में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं, तो अगर दोनों को हम मिला के लिखेंगे तो बी तो बेचारा ए के अंदर ही है, अब आपको पता है सेट के अंदर एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। अच्छा इस केस में बताओ इसके लिए कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन रीजन, तो ये दोनों में से कॉमन है क्या, वो अलग है ये अलग है, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है, और अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन क्या बोलते हैं, नल सेट, और अगर नल सेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, क्या सही बात बोला कि नहीं, ये डिसज्वाइंट होगा ए और बी, है ना, तो ये सारे क्या था, एक वेन डायग्राम से हम लोगों ने समझा, जो पढ़ा था क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो उस चीज को आपने देखा, देखो ये इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन बी, आप सीखो पहचानने सीखो कि ये सारा चीज कहाँ है, क्योंकि अगर फॉर्मूला में आपको आया जो कैलकुलेट करने आया, जैसे क्वेश्चन क्या देगा, मान लो इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है क्वेश्चन की, एक क्लास में 50 स्टूडेंट थे, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 20 फिजिक्स पढ़ रहा है और 30 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहा है, और जो 10 बच्चे हैं, है ना, जो 10 बच्चे हैं मतलब वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ रहा है या केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, उसमें से कुछ बच्चे जो हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो पूछ लिया बताओ कितने बच्चे जो हैं केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जैसे हम लोग को पूछा गया कि वो कितने बच्चे हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो सेट बी को केमिस्ट्री मान लिया तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये वाला हुआ, ये वाला पोर्शन, और बोल रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री मतलब ये पूरा पोर्शन, अगर बोला केवल केमिस्ट्री तो ये वाला पोर्शन, अगर मान लेते हैं इसको, इस सेट को केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हेल्प करेगा आपको, ये वेन डायग्राम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वैसे देखो अपन यहां से फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, इसको रहने देता हूं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, ओके, इसका हम यूज करेंगे, तो इसको रहने देते हैं, चलो
चलो बच्चों एक फॉर्मूला लिखने चाहते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, ये ओनियन बी, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे एक बात बताता हूं, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये भी नोटेशन बहुत जरूरी है, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सिमिलरली बच्चों एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसका मतलब ये हुआ, एन सी का मतलब बच्चों, अच्छा सी नहीं है अभी चलो, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन बोथ सेट, ये ऐसा लिख देता हूं, बोथ सेट ए एंड बी, एन ए ओनियन बी का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर, ये भी वर्ड यूज हो सकता है, आइदर इन आइदर सेट ए और सेट बी, बात वही हुआ, देखो और आया ना बीच में और आ गया, तो वर्ड्स प्रॉब्लम अगर आता है तो वहां क्लियरली लिखा रहता है, क्वेश्चन से पता चलता है कि क्या पूछ रहा है, अगर मान लो कहीं पूछ दिया कि वो स्टूडेंट्स बताओ जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, अगर और केमिस्ट्री बोला तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एन ए ओनियन बी, अगर बोला वही स्टूडेंट्स बताओ जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब आपको तो समझाया ही था कि ए इंटरसेक्शन बी बार दैट इज ए माइनस बी, तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, केवल सेट ए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज है, इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सर अगर ऐसा बात है कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है दे करके, तो कहीं ना कहीं इसमें 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 और इसमें एक रिलेशनशिप डिफाइंड होगा, आपको एक रिलेशनशिप निकलेगा और एक फॉर्मूला जरूर बनेगा, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा चलिए उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिख लिए, इसको लिख लेना आप लोग, कॉपी कर लेना, ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूला को भी मैं आपको बता रहा हूं कहां से, इसी वेन डायग्राम से निकालेंगे, उस फॉर्मूले को भी हम वेन डायग्राम से निकालेंगे, आप देखो कैसे वेन डायग्राम से निकालेंगे, ये ओनियन बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये ओनियन बी का मतलब आपको बताया पूरा क्षेत्र, तो ये पूरा क्षेत्र, तो ये पूरा क्षेत्र सेट ए और सेट बी मिला करके बना है, मतलब मैं ऐसे डायरेक्ट लिख लिया एन ए प्लस एन बी, बोलोगे सर ये यूनियन बी क्या हो गया, अरे एन ए प्लस एन बी मतलब ये वाला लिया पूरा और ये वाला लिया, जब आप सेट ए लिख रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिख रहे हो तो क्या हुआ, ये भी तो पोर्शन आया, और जब सेट बी लिखा तब भी ये पोर्शन आ गया, जबकि हम लोग को जो लेना था ये इतना क्षेत्र लेना था, मतलब ये वाला भी एक ही बार आना चाहिए था, लेकिन कितने बार आ गया, दो बार आ गया, और अगर दो बार आया तो क्या करना पड़ेगा, एक बार घटा देना पड़ेगा, एक बार माइनस कर देना पड़ेगा, तो यहां क्या लगेगा माइनस एन, अब ये जो क्षेत्र है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बच्चों यहां से एक फॉर्मूला नहीं आ गया, अरे कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे देखो इसका फॉर्मूला बनाना है, इसका केवल आपको इसी को याद रखना है, इसी को याद करो, बाकी को याद मत करना, बाकी आप बनाने सीखो फॉर्मूला, बस इसको याद रखना है, जैसे मैं बनाने सिखाता हूं कि a माइनस बी का बनाना है, a माइनस बी मतलब ये रहेगा, तो हमने लिख दिया एन ए, ठीक है लिख दिया, जैसे मैंने एन ए लिखा तो यह पूरा पोर्शन आ गया, लेकिन आपको लेना था कौन, केवल डॉट वाला, तो यह पूरा पोर्शन आया तो इसको हटाना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल बात चीज है, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, कर दिया लो, इसको माइनस कर दिया,
क्या नहीं बना फॉर्मूला? अच्छा बोलोगे सर कि इसको बना के दिखाओ, b माइनस ए, तो इसी तरह b माइनस ए क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, खत्म बात। इस तरह से तो अब ये चीज है बच्चों वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम का यूज हम लोग कहां करेंगे, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ एक बात और बच्चों, अगर ए एंड बी दोनों जो है डिसज्वाइंट है, अगर ये दोनों सेट डिसज्वाइंट है देन क्या होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जीरो। और अगर जीरो हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, तो इस टाइम में क्या होगा देन, और क्या होगा एन ए यूनियन बी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, क्या नहीं होगा बताओ, कैसे होगा, क्योंकि ये तो जीरो जा रहा है, तो इस केस में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। मतलब कब होगा, जब दोनों सेट डिसज्वाइंट होगा, डिसज्वाइंट का मतलब आप समझ गए वेन डायग्राम से, ये और इधर दूर कहीं बी है, तो इस केस में ए यूनियन बी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो बच्चों यहां फिनिश होता है आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप नोट कर लो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इन अ ग्रुप ऑफ 52 पर्संस, मतलब पूरे यूनिवर्स में सोचो 52 लोग हैं, उसमें से 16 ड्रिंकिंग, 16 आदमी ऐसे हैं जो टी का ड्रिंक करता है लेकिन कॉफी नहीं, मतलब केवल टी पीता है। इतना कहने का मतलब क्या हुआ, 16% ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, इसका मतलब केवल चाय पीने वाला, ये क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन, ये जो क्या हुआ केवल चाय, ओनली केवल टी, केवल टी। एंड 33 ड्रिंक टी, बोला है क्या 33 ड्रिंक टी, मतलब 33 लोग चाय पीते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बोला गया 33 लोग चाय पीते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पानी नहीं पीता है, वो दारू नहीं पीता है, वो कॉफी नहीं पीता है, है ना। वैसे यहां दो ही चीज की बात हो रही है, टी और कॉफी की। तो अगर बोला है 33 लोग चाय पीता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कॉफी नहीं पीता है, ठीक है। हाँ जो इसके पहले लिखा है कि 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, देखो क्लियर किया है, हाँ तो उसमें जो 16 लगा ना वो केवल चाय पीता है, कॉफी नहीं पीता है। तो अपने से पूछ रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों पीता है, पहला क्वेश्चन में हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, बोथ मतलब दोनों, वैसे एंड लगाए मतलब इंटरसेक्शन, एंड हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कितने लोग केवल कॉफी पीता है। बच्चों इसको सॉल्व करने का ना सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि यहां पर जितने ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, जैसे टी और कॉफी की बात हो रही है, तो आप क्या करो, एक सेट ए मान लो, एंड सेट ए रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पर्संस हु ड्रिंक टी, इसी तरह बी मान लो नंबर ऑफ पर्सन हु ड्रिंक कॉफी, ये दो ऑब्जेक्ट मान लिया। और बच्चों क्वेश्चन को ना जैसे आपको फॉर्मूला नहीं याद है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, केवल आपको ये याद रखना है, बाकी फॉर्मूले नहीं याद रखना है। तो कहोगे सर अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों एक सिंपल सा काम करना है, क्या काम करना है कि आप जो है ना साइड में एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना, जैसे यहां दो सेट की बात हो रही है कि ए और ए बी, क्या करोगे बच्चों अगर क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो सबसे पहली बात तो कंसीडर तो कर लेना जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी सेट हो सकते हैं, जैसे यहां दो सेट हो सकते हैं,
एक टी पीने वाला ग्रुप और एक कॉफी पीने वाला ग्रुप, दोनों मान लिए ए और बी। अब बात आता है कि सर ए और बी मान लिया, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको देखो, उसको यहां पर ढूंढो वेन डायग्राम में कि जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है। हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी, अच्छा दोनों पीने वाला, तो एक तो आपसे ये पूछा है, ये जो पोर्शन हो गया क्या हो गया, टी एंड कॉफी पीने वाले, ये आपको निकालना है। सेकेंड चीज क्या पूछा है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, यानी केवल कॉफी पीने वाला। देखो कॉफी को हम लोगों ने जो कंसिडर किया है वो क्या कंसिडर किया, सेट बी, तो केवल कॉफी। तो बताओ बच्चों ये जो पोर्शन है केवल कॉफी नहीं है, ये यही तो आपको निकालना है, ओनली कॉफी, यही तो निकालना है आपको, ओनली कॉफी पीने वाले लोग। तो आप एक चीज बताओ, आपको पता है ये क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, आपको पता है ये क्या होता है, बी माइनस ए होता है, तो आपको यही दोनों चीज निकालना है। अच्छा आपको गिवन क्या है, देखो 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, आपको गिवन है ये चीज गिवन है, ये वाला, ये कितना गिवन है 16, और क्या गिवन है, हाउ मेनी ड्रिंक टी, मतलब डायरेक्ट चाय पीने वाले टोटल लोग कितने हैं, सेट ए गिवन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको गिवन है 13, और क्या गिवन है, इन ए ग्रुप ऑफ 52%, मतलब ये ग्रुप, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि 52 लोग है ना, 52 लोग कुछ ना कुछ पी रहा है। हाँ यूनिवर्सल सेट ये कब होता है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कब होते हैं, जब बोलता क्या जानते हो, ये भी देखना जरूरी है कि ये जो दिया रहता है टोटल, ये ए यूनियन बी होता है या यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा ना तो कुछ ऐसा लैंग्वेज लिखा रहता है कि एक सर्वे किया इतना पॉपुलेशन में, जैसे एक गांव में सर्वे किया, जिस गांव का पॉपुलेशन था 10,000, वहां सर्वे किया तो वहां पता चला कि 700 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब उस गांव में 10,000 लोग था लेकिन 700 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला मतलब ये यूनियन बी हो गया, और वो 10,000 जो है ना वो क्या चीज है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसमें, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स और ये यूनियन बी में। ये यूनियन बी मतलब कब होगा, जब आपको ये पता चले कि वो जितने लोग हैं सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे यहां पर 52 लोग है ना, तो यहां लिखा इन ए ग्रुप ऑफ 52%, मतलब 52 लोगों में से 16 चाय पीता इस टाइप का दिया हुआ है, आपको बात समझ में आ गई होगी। खास करके वर्ड्स प्रूफ में सर्वे वगैरह लिखा रहता है, कंट्री की बात करने लगे है ना, तो उस टाइम आप समझ जाना कि ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो सकते हैं, तो यहां कुछ वैसा नहीं है। और क्या दिया बच्चों, ये 16 दिया था, जो केवल क्या पढ़ता है, जो केवल क्या पढ़ता है, जो केवल चाय पीता है, कॉफी पीता है, तो केवल चाय, मतलब एन ए माइनस बी दिया हुआ, और कितना दिया हुआ 16, और ये किसके इक्वल होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, और ए यूनियन बी दिया हुआ, एक चीज ए यूनियन बी कितना दिया हुआ बच्चों 52, ये सभी टर्म्स गिवन थे, देखो ये गिवन है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या लगा लेना फॉर्मूला, अच्छा ये चीज देखो, अगर एन ए दिया था 33 और एन ए माइनस बी 16, और इसको एन ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से आपको ये चीज नहीं लग रहा है कि निकल जाएगा यहां से, इसको अगर आगे सॉल्व करो तो 16 इक्वल टू 33 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से बच्चों क्या निकल जा रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी 33 माइनस 16, माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 13 माइनस 6,
अरे 17 आएगा, 17 आएगा टोटल माइनस करके। तो अच्छा टी एंड कॉफी निकालना था, तो ये तो निकल गया। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया वैसे ही, यहीं से निकला कि नहीं, तो ये निकल गया पहला। अच्छा सेकंड और क्या निकालना है हम लोग को, बी माइनस ई निकालना है। अच्छा बी माइनस ये अगर फॉर्मूला देखो तो बी माइनस ये होता है एन बी माइनस एन ए, एन ए एन बी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है फॉर्मूला इसका, बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपको पहले क्या चाहिए, बी माइनस ए अगर निकालना है, देखो हम लोग को ये निकालना था ओनली कॉफी, तो बी माइनस ए निकालना था तो एन बी चाहिए, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी निकल चुका है तो एन बी चाहिए। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा जानते हो, एन ए यूनियन बी, इसका यूज अभी तक नहीं किया है, और ये क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों देखो एन ए यूनियन बी कितना दिया है 52, एन ए का वैल्यू क्या है बच्चों 33, एन बी नहीं पता है, इंटरसेक्शन कितना आया 17। तो बच्चों यहां से अगर सॉल्व करो तो एन बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एन बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है बताओ, कैलकुलेट करो जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 33 माइनस 17 कितना हो गया 16, और इधर आएगा 16 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 52 माइनस 16 कितना हो जाएगा 36 होगा, क्या होगा 36, ठीक है। तो ये एन भी निकल गया 36। नाउ हम लोग को निकालना था एन बी माइनस ये, तो एन बी माइनस ये 36 एन बी माइनस इंटरसेक्शन कितना आया था 17, अब बताओ कितना आएगा 17 कितना आएगा 36 माइनस 17 19 आएगा 19। तो बताओ बच्चों क्या देखा आपने, कि आपको फॉर्मूला नहीं रटना, यहीं से काम करना है। तो एन बी हमारा आंसर क्या क्या हुआ, फर्स्ट ये आंसर हो गया, और सेकंड आंसर कौन हुआ सेकंड पार्ट का, ये आंसर सेकंड पार्ट का हो गया, और ये आंसर किसका हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको अपन वेन डायग्राम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको लिखना है, आपको आज केवल कौन सा रखना था इस चीज को, और सारे फॉर्मूले हम लोग कहां से लिखना सीखो, वेन डायग्राम से सीख जाओ। अगर बच्चों आप फॉर्मूले वेन डायग्राम से लिखने सीख जाते हो तो उससे बढ़िया चीज कुछ तो हो ही नहीं सकता है। और आगे ये चीज प्रोबेबिलिटी में, 11th क्लास में ही प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, वहां भी यूज होगा, 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ये वेन डायग्राम और ये सेट थ्योरी का एकदम पूरा यूज होने वाला है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अच्छा एक चीज होता है ना डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही सिंपल है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, दो लॉ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अलग अलग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर यहां इंटरसेक्शन है तो अलग अलग होकर के ये यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये यूनियन है ना तो इंटरसेक्शन हो जाता है, और जब यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन बन जाता है, और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है सेट का। ये है डिमॉर्गन्स लॉ। तो इस तरह से बच्चों ये सेट थ्योरी चैप्टर आपका फिनिश होता है, तो आप पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ओके तो सेट थ्योरी फिनिश हो गया, कोई दिक्कत। हाँ आपको ये जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है थ्री सेट्स के लिए भी नहीं होता है, तो थ्री सेट्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ जाऊंगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो एक लेक्चर आई थिंक मैं सोच रहा हूं एक लेक्चर और लूं किसका, सेट थ्योरी का।
तो अगर आप लोग को कुछ डाउट है रहेगा अगर सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं उस लास्ट लेक्चर में उसको लेकर के आ जाऊं। तो एक लेक्चर और लूंगा कि वेन डायग्राम को थ्री साइड्स के लिए आपको समझा दूंगा और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।